नमस्कार, मैं दिलशाद। अब देखते हैं प्रयागराज कुंभ से जुड़ी खबरें। 24 जनवरी को प्रयागराज कुंभ में अप्रवासी भारतीय कुंभ मेला पहुंचेंगे। मेला प्रशासन के अपर जिलाधिकारी दिलीप कुमार त्रिगुणायत ने बताया कि उनके आगमन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सबसे पहले प्रवासी भारतीय अरैला पहुंचेंगे। वो किला घाट के रास्ते अक्षयवट, सरस्वती कूप और हनुमान मंदिर के दर्शन कर संगमनोज पहुंचेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन द्वारा कुंभ मेला परिक्षेत्र में लगाई गई प्रदर्शनी में आधुनिक हाईटेक डिजिटल तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी के लोग बहुत ही आकर्षण के साथ देख रहे हैं। मेले में डिजिटल तकनीक के द्वारा महात्मा गांधी के दर्शन और जीवन से संबंधित जानकारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित की जा रही हैं। और तीर्थराज प्रयाग कुंभ में सांस्कृतिक संध्या अपनी पूरी रवानी पर है। कुंभ प्रांगण में प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा मंचों की धूम है। विभाग के सभी मंचों पर विविध सांस्कृतिक गतिविधियां हर रोज दर्शकों को लुभा रही हैं और अब तो दर्शक नियमित रूप से यहां आकर सांस्कृतिक संध्या का लुत्फ उठा रहे हैं। और तीर्थराज प्रयाग में चल रहे कुंभ मेले में वन विभाग द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। वन विभाग द्वारा आने वाले तीर्थयात्रियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हम पेड़ पौधों को कैसे बचाएं और कैसे अच्छे पेड़ पौधे लगाएं जिससे जनमानस को उसका फायदा मिल जाए, ये बातें वन विभाग की प्रदर्शनी में बताई जा रही हैं। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतु के मॉडल लगाए गए हैं जिससे लोगों को काफी जानकारियां मिल रही हैं। संगम की रेती पर चल रहे दिव्य कुंभ में कल्पवास शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाले इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन में आने वाले कल्पवासी पूरे महीने संगम की रेती पर जिन साधनाओं, नियम और संयम व्रत का पालन करते हैं वो ज्यादातर आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का अंग है, जिसके माध्यम से वो अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को तो धारण करते ही हैं, साथ ही साथ महीने भर स्वास्थ्य की भी साधना कर लेते हैं। कुंभ मेले में जगह जगह पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। मां गंगा की निर्मलता और अविरलता और मां गंगा की स्वच्छता के बारे में प्रयागराज के कलाकारों ने गंगा संरक्षण मंच पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी ओर अखाड़ों में भी साधु संत सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते नजर आए। अरे मैं मां गंगा हूं, मैं इस धरती पे मानव कल्याण के लिए अवतरित हुई थी, क्यों मेरे जल को दूषित कर रही हो? तो यह था कुंभ समाचारों का विशेष बुलेटिन। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।